नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ आप बीती। आज की इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं कोटा राजस्थान के रहने वाले आकाश गोयल जी से। आकाश जी को वर्ष 2014 में पहली बार क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रीटाइटिस डायग्नोज हुआ था। इसके बाद उन्हें इस बीमारी के 3 मेजर अटैक्स आए, जिनमें 2 बार उन्हें हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा। परेशान होकर कोई और रास्ता नहीं मिलने के बाद आकाश जी और उनकी फैमिली ने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को अपनाने का फैसला किया। मार्च 2017 में उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू किया और 1 साल का ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद अब उन्हें 4 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करते हुए। आइए बात करते हैं आकाश जी से और जानते हैं उनके बारे में उन्हीं से। नमस्कार आकाश जी, वेलकम टू आप बीती। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते मैम, मेरे को क्रॉनिक पैनक्रीटाइटिस का प्रॉब्लम था। 2016 में ये डायग्नोज हुआ था। उस टाइम पे मेरी सिस्टर ने ऑनलाइन कहीं से सर्च करा था पड़ाव के बारे में, तो हम लोग आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आए और 1 साल का पूरा कोर्स लिया मैंने। ड्यूरिंग कोर्स भी मेरे को काफ़ी रिलीफ रहा और उसके बाद भी आज ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर्स हो गए, तो मेरे को ठीक था सारा ट्रीटमेंट। आज भी मैं मतलब अपनी जो नॉर्मल लाइफ होती है अच्छी तरह जी रहा हूँ। थोड़े बहुत परहेज रखे हैं लेकिन अच्छी है आज भी मेरी लाइफ। और जो आपका कोर्स था उसके बाद मेरे को कभी कोई अटैक वगैरह नहीं आया। और जो 1 साल का कोर्स था उस टाइम भी 1 बार कुछ थोड़ा सा पेन हुआ था, बाकी कभी ऐसा पेन वगैरह नहीं हुआ। और जब भी मैंने आप लोगों को कॉल किया, आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा रहा मेरे साथ और आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। आपके पास आने से पहले मैं कोटा राजस्थान से हूँ, यहाँ हमने ट्रीटमेंट लिया लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स ने तो मना कर दिया था कि हमारे पास का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद फिर हम लोग ग्लोबल हॉस्पिटल गए मुंबई, वहाँ पे मेरा काफ़ी सारा ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशंस भी हुए इसके और डॉक्टर ने स्टैंड भी लगाया यहाँ पे पैनक्रियाज में, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं। 6 महीने तक मैंने उनका ट्रीटमेंट भी लिया लेकिन कुछ मेरे को मतलब रिलीफ नहीं मिला उनकी जो प्रोसेस थी, जो मेडिसिन थी उनसे। कभी वेद जी का, शिखा मैम का, स्नेहा मैम का, सभी का मैं थैंकफुल हूँ कि आप सबने मुझे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया। और हमारी पूरी फैमिली भी आपको थैंकफुल है क्योंकि उस टाइम पे हम इतनी परेशानी में थे, हमें पता नहीं था कि इलाज कहाँ कराना है, इसका इलाज होगा कि नहीं होगा। हम लोग बहुत परेशानी में थे, काफ़ी पेन भी था जो मतलब पेरेंट्स देख नहीं पाते थे, हॉस्पिटलाइज भी होते थे बहुत बार। लेकिन आज बहुत अच्छी ज़िंदगी मुझे मिली है और आयुर्वेद मतलब इतना स्ट्रांग हो सकता है, कभी देखा नहीं था कि इस तरह से भी वो काम करेगा। तो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा और आज भी मैं मतलब मेरे पास काफ़ी कॉल्स भी आते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि आप एक बार वहाँ जाएँ। और सबसे बड़ी बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप मतलब सही होंगे वहाँ जाके। पहले से ही अपन नेगेटिव लेके नहीं जाएँ कि भाई हम सही नहीं हो सकते। तो अगर कोई भी आदमी आपके पास आएगा पड़ाव पे, मैं सजेस्ट करूंगा 200% के लिए कि आप वहाँ जाएं और ट्रीटमेंट लें, तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा वहाँ से। थैंक यू। थैंक यू आकाश जी, बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने एक्सपीरियंसेस हम सभी के साथ शेयर करने के लिए। अगर आप भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी हमारे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आप बीती की अगली कड़ी में ऐसी ही एक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।